आषाढस्य रत्नानिकस्य विभवाईश साधिके विप्रप्रिया परिदगल्या प्रेषणीयं ददर्शः। मैं चाहती थी कि उसे आंखों में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी पिया है इन वस्त्रों ने। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। कुवल यदल कहाँ डाल दूँ माँ, यहीं रहने दो। कुवलयदलनीलैरुन्नतैस्तोयनं रहे
पहले कभी नहीं किया। ऐसा सौंदर्य जो अस्पर्श होते हुए मांसल हो, जिसे मैं देख सकती थी, छू सकती थी, पी सकती थी। फिर मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखर की सहलाती में एक मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम चुप क्यों हो? देख रही हो, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, हर समय चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या कहो कि तुम थक गई हो और शेष बचा धान मैं पटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लगता है, और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्सना करती हो कि मैं घर में रह के तुम्हारे सब कामों में बाधा डालू, और कभी कहती हो अरे तुम मुझे बताओ इतनी गंभीर क्यों हो। दूध उठा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। थोड़ी देर जाकर तल पर विश्राम कर लो। नहीं, मुझे अभी नहीं 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 विश्राम नहीं करना, अभी थकी का हूं जो विश्राम कर लो। मुझे तो अभी भी अपने पुलक में बरसती बूंदों का अनुभव हो रहा है माँ, रोम अभी भी सीज रहे हैं। तुम ऐसा क्यों करती हो माँ? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, किंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध माँ, जो तुम मुझे न बताओ। राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जाने क्या कर रहे हैं, कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं, परंतु जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी ऐसी ही आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं माँ? जाने किस लिए आए हैं माँ? तुमने बात नहीं बताई माँ। अग्निमित्र लौट आया है। लौट आया है कहाँ से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानती हो कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम्हें लगता है कि मैं निरर्थक ही प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेशा लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। कहते हैं क्या? कहते हैं क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, यदि वह उसे नष्ट करना चाहती है तो उस पर उलझना करने का किसी को क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही थी। तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? तुम तो जानती हो। अपवाद की बात मत करो माँ। पर इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं समझती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी समझती हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता माँ।
मैंने एक भावना में भावना का वर्णन किया। यह संबंध मेरे लिए सब संबंधों से बड़ा। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे वितृष्णा होती है ऐसी भावना से। पवित्र, कोमल, अनश्वर। सच तो यह है कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। परंतु माँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, ग्राम के अन्य लोगों को उसे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं जाने कौन लोग हैं जो ठहरो। माँ, तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म होता है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली घूमने जाएंगे, कोमल धूर्वा खाएंगे। खाएंगे ना? आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम परंतर में कुछ नई आकृतियां देख रहा हूँ। राजा के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। हाँ, माँ ने दूध उठा कर रखा है, मैं देखती हूँ। आज दो तीन राज्य कर्मचारियों को घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग दिखाई देते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके कोमल रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बांध छोड़ते बना कैसे। यह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूं। यहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। सच, आज माँ बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ ही थी, अन्यथा यूं भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो, इसे बाहों में ले लो। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं, हम लोग परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आते इस हरिण को उठाने आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? देख रहा हूं तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहां का निवासी नहीं हूं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त समुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। ऐसा लांछन लगाते तो मैं लज्जा नहीं आती। क्षमा चाहता हूं देवी, लेकिन जो हरिण शवक आप अपनी बाहों में लिए हैं, यह मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति हुई।
मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी ना? इस प्रदेश में हरणों का खेल नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। अच्छा, तो राजपुरुषों के अपराध का निर्णय अब एक ग्रामवासी करेगा। ग्रामीण युवक, अपराध और न्याय के शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ज्ञान का राष्ट्रीय हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, मेरा हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हें सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल पर या आस्तरण पर। इस घर के तल पर आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो ना माँ? देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। तल पर आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। इसे मुझे दे दो मल्लिका, जिसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाता देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः आज इसका परिचय तुम्हें देना होगा। संभवतः संभवतः ठहरो राजपुरुष, हरे शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। क्या कहा कालिदास? जिनसे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था अभी कभी, कालिदास है? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? उज्जैन की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के महान लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य कालिदास को राजकवि का आसन और पद देना चाहता है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। इसीलिए तो आचार्य वररुचि उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता से व्यवहार किया, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है। उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है उसमें शर्करा मिला दी है। तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, और आशा करती हूँ अब इस घर में किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा, फिर भी तुम दूध पी लो, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूँ वैसे ही रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं कहा। चलो दूध पी लो। माँ, यहाँ बैठ माँ, यहाँ आओ। माँ, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। माँ, तुम सोच सकती हो कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ? बस कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो। नहीं, मुझे बहुत काम करना नहीं, है। नहीं नहीं, उठो नहीं, यूं ही बैठे रहो। माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर हमेशा लाछना और पड़ताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं थी? जड़ मत हो माँ, कुछ बोलो। मैं कह चुकी हूँ मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों तुम्हें इनका पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके बारे में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी व्यवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। और तुम्हारा
तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ वह दोष ही देखती है। और तुम्हें उनमें क्या दोष दिखाई देता है माँ? वह व्यक्ति आत्म सीमित है, उसे अपने सिवा संसार में किसी से मोह नहीं। इसलिए कि वह मातुल की गौएं न होकर बादलों में खोए रहते हैं। मुझे मातुल से या उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है, ये मैं अपने घर को देखकर कह रही हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ ही लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, मैं पूछती हूँ ये भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। माँ, रोहिणी माँ, मैं जानती हूँ माँ, तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया, मैं पूछती हूँ ये भावना में भावना का वर्ण क्या है? उसे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह से पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण जीवन की स्थूल आवश्यकता ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो यह है कि तुम उन्हें ग्राम के अन्य व्यक्तियों के संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य व्यक्ति उसे इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उसे घृणा करती हूँ। माँ, ऐसा मत कहो। ग्राम के अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती माँ? इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। माँ, अंबिका, अंबिका घर में ही हो? हो घर में ही हो? मैं आज सारे प्रदेश में यह घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि ये इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु सुना है उन्हें तो राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी की से एक आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य उसे कल ही अपने साथ उज्जैनी लेके जाना चाहते हैं। किंतु आप कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, दो रथ वहाँ चार अश्वारोही उनके साथ हैं। अंबिका, मैं तुमसे नहीं कहता था कि हमारे परपिता माँ के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है? तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और ये वंशावंतस कहते हैं मुझे ये सम्मान नहीं चाहिए, मैं राजकीय मुद्रा से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ। राजकीय सम्मान तो स्वीकार नहीं करना चाहते। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, इसे ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का मूल्य है आर्य मातुल, इसीलिए सम्मान का मूल्य है। परंतु मैं जानती हूँ यह सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा, वो इसके अनुचर है ना कि इसकी अभिस्तुति करके इसके साथ ले जाएंगे। अवश्य जाएगा। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भांजा लोकनीति में निष्णात है। यह लोकनीति है तो मैं कहूंगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति का अर्थ एक ही है। जो व्यक्ति कोई कुछ देता है
वो अपना मन बदल भी तो सकता है। और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट दुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण सी कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। नहीं लगता तुम्हें? मातुल, आप अभी तक यहां और आचार्य आपकी वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जब तक लौट के ना आ जाऊं आचार्य के पास रहना? किंतु मातुल। किंतु क्या? यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हो तो तुरंत आपको सूचना दो। यह भी कहा था? किंतु वो भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारे समझ आ गया, वो नहीं आया। किंतु मातुल। किंतु क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। यदि मैं मूर्ख नहीं हूं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। क्या कहा है आचार्य ने? आचार्य ने कहा है कि वो आपके साथ ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। वो ग्राम प्रदेश जिसने कालिदास की कविता को जन्म दिया। कालिदास की कविता? न जाने उस इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार का तो पता नहीं और तुम लोक नीति की बात करते। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने कहा कवि कुल गुरु इस समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है, उज्जैनी से कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े जैसे मारे में कोई सांप देख लिया। मल्लिका, मातुल के लिए जल ला दो। नहीं, मुझे जल नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा आचार्य कल ही आपको उज्जैनी लेके जाना चाहते हैं, राज्य की ओर से सम्मान होगा आपका। सुनकर रुके और जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्रा से क्रीत होने के लिए नहीं हूं, ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में भूली जा रही हैं, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि मैं उन्होंने विनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या आचार्य को देखूं। और इस निक्षेप से मैंने कहा था कि आचार्य के पास बैठे रहना और ये गुरुहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे आ गया। किंतु मातुल, मैं तो आपको समाचार देने के लिए आया। और ये समाचार देने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत घर में अकेले बैठे हैं और तुम समाचार देने के लिए आ गए। अब इतना करो कि वो कवि कुल श्रोमणी जहाँ कहीं भी हो उसको ढूंढ के लाओ। मेरा कर्तव्य कहता है कि चाहे जैसे भी हो उसको आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि चोटी से पकड़कर। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। इस समय कालिदास है कहां? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? हाँ, देखा है। परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों, आप भी नहीं चाहते? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए। कालिदास मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में बड़ा रस प्राप्त होता है कि बोलते ही जाते हैं, और कालिदास हट किए बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आया चाह रहा लौट नहीं जाते, जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है कि कालिदास को राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, और वे अपने इस पार्वत्य भूमि को छोड़कर जाना नहीं चाहते। नहीं चाहता? मातुल का या किसी और का आग्रह उनका यह हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि कालिदास हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। कालिदास भावुकता में भूल रहे हैं कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है और शेष पूर्ति प्रतिष्ठा से होती है।
कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में गहरी कटुता की रेखा है। और मैं जानती हूँ कि वह रेखा कहाँ है। अभी कुछ समय पहले ही उनका एक राजपुरुष से सामना हो चुका है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास उज्जैनी नहीं जाएंगे तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी और राजकवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। परंतु कालिदास जो आज हैं, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। और जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वो भी कुछ दिनों में भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है और उन्हें अपने व्यक्तित्व को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मल्लिका। माँ, क्या मुझे किसी बाहर के व्यक्ति के समक्ष ये कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे बाहर जाने के पक्ष में नहीं हूँ? निक्षे बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। भावना, ओह, गिरे हुए मेघों ने आज आसमान अंधकार कर दिया अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य, तुमने दीपक नहीं जलाया। तुम यहां क्यों आए हो विलोम? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसा आश्चर्य का विषय नहीं। चले जाओ विलोम, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा यहां आना। मल्लिका को सह नहीं है। मैं जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं यहां आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य जानता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे किसी दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है? मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा, इसलिए मैं समझता हूं उसके जाने से पहले उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस बारे में कुछ सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की मां और इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य, मैं कहती हूं चले जाओ विलोम। कालिदास उज्जैनी में रहेगा और मल्लिका, जिसके कारण उसका नाम सारे ग्राम प्रांत में वाद का विषय बना हुआ है, पीछे यहां पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने क्या सारी पीड़ा इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इतने वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल कर अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जब जीवन भर के अभाव का प्रश्न उसके सामने है तो तुमको सोचना नहीं चाहती। ये सब कहकर तुम मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूं कि तुम मुझे अकेले छोड़ दो। मैं ये सब तुमसे नहीं, उससे कहने आया था। आशा करता हूं वह अभी यहां आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते हुए देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कब कहां और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक रहते हो। कहो, आज
आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। संभवतः उस वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ बहुत दुख। एक मित्र के बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को बोल तो नहीं जाओगे। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास भूमियां। अरे विलोम, यह समय और स्थान इन सब बातों के लिए नहीं है। और इस समय मैं आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ देख कर प्रसन्न नहीं हो, किंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं? विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ कई कुछ करना नया प्रत्याशित हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है। हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। उसी निकटता के आधार पर क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान हमें बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम वही कालिदास हो? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। मेरा अभिप्राय यह है कि क्या तुम वही व्यक्ति हो जो कल तक थे? अरे विलोम, मैं ऐसी अनर्गलता को क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? क्या मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्या मैं सार्थक प्रश्न नहीं पूछ रहा? क्यों अंबिका? मैं कह चुकी हूं कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूं। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में मल्लिका और कालिदास को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले जाना है या? कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु मैं यह समझता हूँ कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए आवश्यक बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं कह चुकी हूँ कि मैं इस संबंध में कुछ भी कहना नहीं चाहती। बस चल ही दी। अच्छा तुम ही बताओ कालिदास, तुम्हें अपनी यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? चलो चलकर ग्राम प्रांतर में पूछ ले तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम कुछ संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो, परंतु मैं इतना ही जानता हूं कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि यदि क्षण भर के लिए यह मान लिया जाए कि तुम उज्जैनी जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? अरे विलोम, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर के बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ। निसंदेह आप यह अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस समय एक अनचाहित अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूं, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरा यहाँ
पाने के लिए इतना ही पर्याप्त है। एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के निकट हो, किंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम तो जानते ही हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। अनचाहती फिर भी कभी आ पहुंची, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए। फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे भी कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वह प्रश्न मैं हूं ना, यहां बैठे तुम मुझे जानते हो ना, हो ना। तुम यहां से जाकर भी यहां से दूर हो सकते हो, मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, वे सम्मानने की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई भी रेखा घेर ले तो तुम घिर जाओगे, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं इस भूमि से कई सूत्रों से जुड़ा हूं, उन सूत्रों में तुम हो। ये आकाश और ये मेघ है, यहां की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और यहाँ से अधिक उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से जो कुछ भी तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो, अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। ऐसी कोई भूमि नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, और तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। पर उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी। यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं की पूर्ति करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। परंतु मन में कई कई आशंकाएं उठती हैं। मेरे मन में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अभी भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो कि तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के आकाश, यहाँ के मेघ, यहाँ की वायु, यहाँ के हरिण, इन सब को तुम अपने साथ ले जाओगे, और मैं भी तो तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर की ओर चली जाया करो, और उस पर आते हुए मेघों में भी जाया करो। जा रहे हैं, केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पति अच्छा हो। जाओ।
अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ माँ, मुझे यहीं रहने दो। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ गिरे हैं, कली में चलने की ओर उड़ जाएंगे माँ। रो नहीं मल्लिका, रो नहीं। मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है वो दुख नहीं है माँ, सुख है माँ, सुख है। मृदु पवन विधुते मंद मंदं चलति अपहृतमिव चेतस्तो यदहि सींद्रचापै पथिक जन वधूना तद्वियोगा कुलाना मृदु पवन विधुते मंद मंदं चलति अपहृतमिव चेतस्तो यदहि सींद्रचापै पथिक जन वधूना तद्वियोगा कुलाना मृदु पवन विधुते मंद मंदं चलति अपहृतमिव चेतस्तो यदहि अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसा ही है। पहले से कुछ अंतर नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषध भी तो ठीक से नहीं खाती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है मल्लिका? ठीक है। दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी से कोई व्यक्ति नहीं आया। कई बार लगता है कि वो जैनी जाकर उनसे मिलाऊं। क्यों? कई बातें करना चाहता हूं। मुझे लगता है दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका, मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहां के ही हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहां केवल इन्होंने ऋतु संहार की रचना की थी, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पूर्व उज्जैनी से जो व्यवसायी आए थे वह कह रहे थे कि उनके एक नए काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति अभी नहीं मिल पाई है।
यूं तो सुना है कि वहां जाकर उन्होंने बहुत नाटकों की भी रचना की जो जैनी की रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या, मुझे कहते हुए दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से कई और बातें भी तो सुनी थी। जब व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा मल्लिका, सुना तो यह है कि राजवंश की दुहिता के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो बुरा कुछ भी नहीं, परंतु यहां रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने नहीं सोचा कि उस आग्रह की रक्षा करने के लिए तुमने उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूं, वे असाधारण हैं और उन्हें जीवन में असाधारण का साथ ही चाहिए था। और यदि आपके कहने से मैं उनको जाने के लिए प्रेरित नहीं करती तो आज कितनी बड़ी क्षति होती। एक तरह से देखें तो बुरा कुछ भी नहीं है मल्लिका, परंतु दूसरी तरह से देखें तो बहुत ग्लानी होती है। और इसके विपरीत मुझे खुद से ग्लानी होती है कि ऐसी मैं उनके जीवन में प्रगति में बाधा बन सकती थी। यदि आपके कहने से मैं उनको नहीं कहती तो आज बहुत बड़ी क्षति होती। यही तो दुख होता है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो तुम्हारे जीवन का ये रूप ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब अस्वस्थ है तो मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर, माँ को औषध दे दो, अभी आती हूँ। कुछ लोग आए हैं। कौन लोग? मैंने अभी ऐसी दो आकृतियों को देखा है जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। कैसी आकृतियाँ? जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती हैं? माँ कहती हैं कि जब भी आकृतियाँ दिखाई देती हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कभी महामारी तो कभी युद्ध, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? और जो हुआ अच्छा ही हुआ। आजकल हवा में इतनी नमी है कि बस घंटों नहीं सूखते। सहसा उत्तेजित क्यों हो गया रे निक्षिप? मैंने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हुआ, क्या आपको भी माँ की तरह निश्चय शंका हो रही है? वह एक बड़ी परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है कि वह स्वयं कालिदास है। कालिदास? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। उन्हें इस राजसी वेशभूषा में कोई ना पहचाने, पर निक्षेप की आंखें उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ और लगता है और संभवतः राजे कर्मचारी मुनि के साथ आए। यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हूँ। और पहले मैं परिचय दे दूँ, ये है नंदिनी, उज्जैन के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है और नाटक लिखने में भी इनकी रुचि है। और यह है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है, बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है, अब गद्य की ओर आ रही है। तुम्हारा परिचय?
परिचय नहीं दिया? मेरा कोई परिचय नहीं, आप आसन ले लीजिए। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, अध्ययन के लिए आए हैं, अध्ययन के लिए। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हो? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ अभी हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और इसे कुंभ। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने कहा है, यद्वा को कुछ लोग यरवा, तद्वा को कुछ लोग सर्वा कहते हैं। यरवाणस्तरवाण ऋषियो। मुझे इतना ज्ञान नहीं। देखो हम यहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिसका संबंध केवल और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो बिल्कुल हमारे जैसे, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूम कर तो हम लगभग निराश हो गए। यहाँ कोई सामग्री है ही नहीं। अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पति के नाम बताओ। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? जैसा कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, रत्नानी भास्वंती महोष्णिश्चय। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि रहने दे संगीत, यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। अच्छा तुम्हारा समय नष्ट किया, माफ कर रहा। चल रंगनी। आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी कि जब तुम आओगे तो वैसे ही मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा। एक बार फिर वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी ये रचनाएं मंगवाई थी। सोचती थी कि जब तुम आओगे तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर की घंटा ध्वनियां गूंज उठेंगी और फिर मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी और तुमसे कहूंगी कि ये कोरे प्रश्न मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं, इन पर जब भी तुम कुछ लिखोगे तो मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूं, मेरा भी कुछ है। परंतु आज जब तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के समक्ष खड़ा हूँ। कहिए। देव मातृगुप्त के अनुतरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त? वे कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य एवं कश्मीर के भावी शासक। देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र यहाँ आ चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए आए हैं। मेघदूत के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि
वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मात्र गुप्त उन्हीं का नया नाम है। कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे यहाँ मिलने आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश ग्रह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे हम आपका आदेश समझते हुए इस कार्य को अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। चलो नासिक। चलो अनुस्वार। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। द्वार के निकट? देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस स्थिति में इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर बढ़ा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक के सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होते हुए आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कौन सा कुंभ? हाँ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा इस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुंभों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? पर क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभों को भी यही रहने दिया जाए। परंतु इसलिए नहीं हटाना चाहिए। क्यों? बस शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? यह तो मुझे याद नहीं। अच्छा, ये याद है कि प्रमाण है। तो संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्र को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्र को भी यही रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य हटा देना चाहिए। हटाने का अर्थ है उसके 5-5 की सभी वस्तुओं को हटाना। उसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के ट्रिक बहुत गहरे भी चाहिए। गहरे ट्रिक? बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ भाषणों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता हूँ। कुछ और तो शेष नहीं? मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अरे नहीं, अभी शेष है। क्या? यह चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे अवश्य हटा देना चाहिए। इसे अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा देना चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ कि हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? भाई पहले मैंने तुमसे कहा है। इनको चौकी देखी पहले तुमने है। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। ठीक है, रहने दो। अब अब चारों ओर एक दृष्टि डाल ले। चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। डाल लीजिए। ड्राइवर, आपका कार्य यहाँ पूरा हो चुका है ना? हाँ, हो गया है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। बस एक दृष्टि डालना शेष है। तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच गई है। क्या? देवी पहुंच गई है? चलो नास्ते। चलो अनुस्वार। सारे प्रदेश में सबसे विनीत, सबसे सुशील और सबसे भोली लड़की है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। देवी, यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आरे मातुल, आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। आप असुविधा को सुविधा नहीं माने, यह बात दूसरी है। वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है। बड़े पुल की विशेषता ही यह है कि आप चलें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया। मुझे थकाया?
आपके कारण मैं थकूंगा। मैं दिन में 10-10 योजन पशुओं के पीछे घूमा हूं, आपकी वजह से मैं थकूंगा। मैं आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश ने प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत पाई है। मेरा शील लोहे का मल्लिका मेरा शील लोहे का बना है, लोहे का। मैं 10-10 योजन पशुओं के पीछे घूमा हूं। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूं संसार में सबसे कठिन कोई काम है तो वह है पशुपालन। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। अब मैं पशुओं को देखता हूं, गुप्त वंश संबंध और पशुओं की देखभाल। मैंने तो अपने सब पशुओं को वर्षों पहले बेच दिया था, और हाँ सच कहूं तो उसमें भी मुझे लाभ ही मिल हुआ, क्योंकि सचमुच बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कल्पना की। अच्छा अच्छा मुझे आदेश दीजिए। अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी है, तो मेरे लायक कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिए। अच्छा मल्लिका, देवी के बैठने के लिए कुछ आसन वगैरह तो का प्रबंध तो करो, नहीं तो ये यूं ही खड़ी रहेंगी। आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता करने की मुझे क्या आवश्यकता है, चिंता करने के लिए मल्लिका है, अम्बिका है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। पर फिर भी कोई कार्य हो तो कहलवा दीजिए। सचमुच बहुत सुंदर, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। बैठ जाइए। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और तुम्हारे घर की चर्चा की, जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि किस रूप में मैं आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले ले तो मैं आपके लिए। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ ही मिलाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं, कितनी निर्व्यास सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। यह हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु आपको इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं ही है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। क्यों वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लूं। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। यह मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। मैं समझ सकती,
तुमसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगीनी रही। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इस कारण राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे समय पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण कहीं पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही, बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव ना हो। इससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय इस तरह नष्ट ना हो। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। हम यहाँ के इसी कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो कि मेरी माँ यहाँ है। यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगीनी के रूप में रहेंगे। क्षमा कीजिए देवी, मैं अपने आप को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक गौरव की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के दो अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा। तुमने देखा है उन्हें? हाँ, देखा है। तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझते। परंतु राज्य में ये दो ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों, तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, नहीं। इसके मन में यह कल्पना नहीं है, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट रहो। तुम्हारी अपेक्षा में कहीं अधिक स्वस्थ हूं। अब मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष बीत गए मुझे घुटते हुए इस घर में। ये घर घर नहीं, काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूं। और तुम कहती हो मैं किसी से बात भी ना करूं। परंतु मां, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा में कहीं अधिक स्वस्थ हूं। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं था राजवधु। मेरे हाथ पैर चलते थे, तुम्हें प्रतिदिन इसे लीपती थी, बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस तरह से टूटी गिरी पड़ी नहीं थी। परंतु आज, आज तो हम माँ बेटी में यहाँ टूटी ही पड़ी सी रहती है। और वो सब इसलिए कि घर की स्थिति अच्छी नहीं। मल्लिका मेरे साथ
बात चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब जो कुछ भी संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि इस घर को गिराकर इसके स्थान पर। नहीं नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी ही सुविधा के लिए कह रही थी, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकूं। इस समय और नहीं रुकूं, कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे कर लूं। तो इस समय भी अवकाश नहीं था, परंतु मैंने आना आवश्यक समझा। ये पर्वत शिखर की ओर गए थे, मैं उस बीच इधर चली आई। अच्छा रुको राजवधु, रुको। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग यहाँ बैठो। मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य है हमारे शूद्र जीवन में कहां समा सकता है। चलो मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इसकी घोषणा करूंगी कि हमारे वर्षों के अभाव और दुख कितना बड़ा प्रतिफल लाए हैं कि राज्य के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ, बैठो बैठो। ग्राम के पास आज तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है, ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए बहुत सी सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं, यहाँ के पत्थर बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम, यह और बात है कि पहले उनका मूल्य कभी समझा नहीं गया। तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती? संभवतः लोग वहां कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। बैठ जाओ मां, स्वस्थ नहीं, बैठ जाओ। ग्राम में आज उत्सव का माहौल है, चारों ओर प्रदेश में उत्सव ही उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, बाहर से आए अतिथियों के लिए भोजन व पान सामग्री जुटाने में व्यस्त है। उसी सामग्री में कुछ हरण चावक भी होंगे,
जो राजकन्या के विशेष आग्रह पर एकत्र किए जा रहे हैं। यह सच नहीं है। सच नहीं है? इंद्रदत्त और विष्णु दत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि इसका कोई और अर्थ हो सकता है? और अर्थ क्या हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेंगी या राज्य के कलाकार उनकी नुकृतियां बनाएंगे? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राज्य के कलाकार आज हर वस्तु की नुकृति बनाते हुए घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका तक शेष नहीं रहेगा जिसकी वे नुकृत बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कोई दूसरा अर्थ हो सकता है? दूसरा अर्थ? मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से ले जाकर दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण है। मैं तो उनकी सूक्ष्म व समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि जो जहाँ विचित्र नहीं है वहाँ भी विचित्र देख लेती है। मैंने वहाँ के कलाकार को धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते हुए देखा है। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य और सी लगती होंगी। एक कौन राक्षसी थी जो जिस किसी को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूं मैं ही वह राक्षसी होती। तो आज मैं तुमसे कहा है माँ, विश्राम करो, बात मत करो। आरे बिलाओ, इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं समझता हूँ उसके कारण और हैं। अंबिका भी जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है, किंतु जो बातें अंबिका मन में रखती है मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखरा होगा, किंतु मैं कुछ और देर यहाँ रुकना चाहता हूँ। आशा है कि वह कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकना चाहे। उसी स्थिति में मैं भी उससे कुशलक्षेम पूछ लूंगा। आखिर मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ ठहरने का हट ना करें। यह मेरा घर है और मैं नहीं चाहती कि इस समय आप मेरे घर में हो। किंतु यह स्थान क्या बुरा है? वर्षों पहले भी तो हमारा मिलना यही हुआ था। वर्षों बाद भी यदि यही भेंट होगी तो अंतराल का अनुभव नहीं होगा। यदि आप उनसे भेंट करना चाहें तो उसके लिए केवल यही एक स्थान नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ ठहरने का हट मत कीजिए। यह मेरा घर है। माँ, इनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तुम स्वस्थ नहीं हो माँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात हो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के विपरीत हो। माँ, माँ, अरे विलोम, आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि यहाँ, मैं नहीं चाहती आप यहाँ रुके। चला जाता हूँ, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ रुकने से क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंबिका, तुम ही बताओ, मेरे यहाँ रुकने से क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? वह आज यहाँ नहीं आया। उसने आना उचित नहीं समझा। परंतु मैं समझता हूँ कि वह एक बार आएगा अवश्य। उसने आना उचित नहीं समझा। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ सकता। और वह व्यक्ति जिसे कवि का एक कोमल हृदय प्राप्त हो, तुम क्या कहती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? अरे विलोम, मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप यहाँ ठहरने का हट मत कीजिए। आप चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो सके घृत व मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, यदि आवश्यकता हो तो। हमें नए मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में मधु है। ऐसा? अच्छा अंबिका, फिर भी कभी
मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी, वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी, जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। परंतु वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, किंतु वह भरोसा अब नहीं रहा। आखिर उसने कभी हमें अपनी मित्रता की योग्य समझा ही नहीं, फिर भी समान की समान से मित्रता होती है। ठीक है, चलता हूं। मल्लिका, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति की है। अरे मातुल, आप इस वर्षा में? इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा जो हो मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की थी, परंतु स्थिति अब यह है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रासाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो मैं कभी ग्राम छोड़ के वहां नहीं जाता, और पीछे से उन्होंने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि पैर कहीं टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, ना घर के अंदर रहते बनता है ना बाहर, और उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे राजप्रासाद का स्मरण हो आता है जहाँ एक पैर तोड़ आया हूँ। खड़े रहने में कष्ट हो रहा है, आसन ले लीजिए। मुझे तो कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रासाद में रहने से कष्टकर स्थिति और कोई अधिक हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूं। और उससे भी कष्टकर स्थिति यह है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता है वो मेरे सामने आदर से सिर झुका देते थे, मेरे सामने। बताओ मातुल में ऐसा क्या है कि कोई उसके सामने सिर झुकाए? मातुल ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है, तो फिर कोई क्यों मातुल के सामने सिर झुकाए और उसकी वंदना करे? नहीं, लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए
वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे और मैं बार बार अपने को छू के देखता था कि मेरा शरीर हार्ड मास का ही है कि चिकने पत्थरों का हो गया, जैसा कि मंदिर में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख ये है कि ना तो मेरी यहाँ कोई वंदना करता है और ना मुझे भ्रम होता है कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं कि मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूँ। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाऊँ, बस सुखाने के लिए आग जला दूं। मल्लिका, तुमने ये घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के ना रहने से घर की कोई व्यवस्था ही नहीं रही। क्या यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी और तुमने लौटा दी? मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। और यह भी कि घर के परिसंस्कार के लिए उसने स्थपतियों से कहा था? मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है, हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह भिसरता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं जाके वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर से धारा सा बरसने लगा तो। सुनो, तुमने कश्मीर का कोई समाचार सुना है? कश्मीर का? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता मल्लिका, किंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना यह संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही यह संभव है कि ऐसा हो। और हाँ, ये भी संभव है कि जो हो वह ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। कश्मीर छोड़ दिया और पुनः उज्जैनी चले गए? नहीं नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि वह काशी चला गया है और उसने संन्यास ले लिया है, परंतु मेरा मन नहीं मानता। उसका राजधानी में इतना मान है, अगर कश्मीर में रहना नहीं बनता था, संभव नहीं था, तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था। परंतु एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास, मैं कभी इन दोनों की धुरी पहचान नहीं पाया। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं, सत्ता सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उसके विपरीत तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, सत्य विपरीत से भी विपरीत चला जाता है। इसलिए मैं यही समझता हूं कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं वो सदा झूठ होता है। इससे तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। कालिदास काशी गया है कि? मैं समझता हूं वह काशी नहीं गया, तो इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और वो काशी चला गया। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता, मेरे हृदय से स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं जो कुछ कहूंगा वह सत्य नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तब भी मैं झूठा हूं, वह काशी नहीं गया तब भी मैं झूठा हूं, यह तो ठीक है? नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी, यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं भी प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं की। यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही,
तुम सदैव मेरे जीवन में बने रहे। मैंने कभी अपने आप को तुमसे अलग नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मेरा जीवन सार्थक है, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, मैं तो अब भी जीवन से तटस्थ नहीं हो सकती। क्या तुम मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुम जानते हो कि मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए, मैंने जीवन में क्या क्या देखा, क्या से क्या हुई हूँ। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या तुम उस जीव को देखते हो, उसे पहचान सकते हो? वह मल्लिका जो धीरे धीरे बड़ी हो रही, माँ के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूं। वह मेरे भाव की संतान है, जो भाव तुम थे वह कभी कोई दूसरा नहीं हो सकता। परंतु मेरे अभाव के कोष में जाने किसी दूसरे की कितनी कितनी आकृतियां हैं। उज्जैनी में अपवाद है कि तुम्हारा बहुत सा समय वरांगणाओं के सहवास में व्यतीत होता है। परंतु क्या तुमने वीरांगना का ऐसा रूप भी देखा है? क्या तुम अब मुझे पहचान सकते? मैं अब भी पर्वत शिखर की ओर जाती हूँ, मेघमालाएं देखती हूँ, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष को कभी रिक्त नहीं होने दिया, क्योंकि मैं सदैव यह सोचती रही कि तुम मेरे जीवन में हो। पर मेरे जीवन के या भाव के पल तुम अनुमान लगा सकते हो कैसे थे? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक गुण एक दोष गुणों के समूह में इस तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक। परंतु दरिद्र नहीं छिपता, सौ सौ गुणों में भी नहीं छिपता, छिपता ही नहीं, छा लेता है, सौ सौ गुणों को नष्ट कर देता है। मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज आज सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही अषाढ़ का दिन है, वैसे ही मैं गरज रही, वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु पहचानती नहीं हो, पर न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं व्यक्ति नहीं हूं
जिसे तुम पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूं। और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो, और जो मैं तुम्हें देख रही हूं मैं ही हूं। देख रहा हूं तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ कितना बदल गया है। यह संभव है? परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहां आया हूं कि यहां के यथार्थ को एक बार देख लूं। बहुत बीत गए, मेरे यहां सूखे वस्त्र तो नहीं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान कम कर दी है। बहुत थक गई। थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहां पहचानी जाती हो? सब कुछ कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था कि मैं जब भी यहां लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि कभी यह घर भी मुझे परिचित लग सकता है, जहां की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। तुम अस्वस्थ हो, आंखों से लगता है कि तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहां आया हूं। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूं। आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। मैं आज उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर के लोग समझते हैं मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृभूत के क्लेवर से मुक्त हुआ हूं, जिसे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहां की एक एक वस्तु की जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। यहां की एक एक वस्तु में के रूप और आकार का स्मरण है मुझे। कुंभ, बागशाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। और मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि मैं कभी भी यहां लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा। बात
मैंने अपने संबंध में बहुत बार सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, जिसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वृषणा का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह शंका भी थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह शंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भी भावना थी जिन लोगों ने जब तक मेरी वर्षना की थी और मेरा उपहास उड़ाया था। और मैं इतना भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं है, मुझ में है। मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हो सका। ना तो मैं स्वयं को बदल सका और ना सुखी हो पाया। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे प्रदेश में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे जिस कल में रहना चाहिए था मैं उस कल से दूर हटाया हूं, और लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा। लेकिन मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो इस जीवन का ही संचय था, और मैंने जब जब इसे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। और चाहता था तुम सब यह पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, मेघदूत की प्रतिलिपि तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। कुमार संभव की प्रतियां भी कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं? वो यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते थे? वर्ष दो वर्ष में कभी एक प्रति मिल पाती थी। और उसके लिए धन? वर्ष दो वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी, उसके लिए धन एकत्र करने के लिए बहुत समय रहता था। वर्षों पहले जो भाव मुझे सालते थे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहां लौट आना चाहिए था, ताकि वर्षा में भीगता भीग कर लिखता वो सब जो अब तक मैं नहीं लिख पाया, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर घूम रहा है। परंतु बर्फ नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? यह तो केवल कोरे पृष्ठ है। पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि जब तुम राजधानी से लौटकर आओगे तो तुम्हें भेंट दूंगी और तुमसे कहूंगी कि तुम इस पे अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस पर तुम आकर भी यहाँ नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो इसके पन्ने भी टूटने लगे और मुझे कहते संकोच होता है कि यह तुम्हारी रचना के लिए। यह पृष्ठ तुमने अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इस पर एक महाकाव्य की रचना करूं?
पर स्थान स्थान पानी की बूंदे हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदे नहीं है। लगता है तुम्हारी आंखों ने इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों ही नहीं स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान फूलों की सूखी पंक्तियों ने अपने रंग छोड़ दिए हैं, और इसके अतिरिक्त तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ रहे मल्लिका? इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की। इस पर क्या अब नया कुछ लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम हाथ से आरंभ कर सकते हैं। बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। शब्द भी परिचित है और स्वर भी, तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। वर्षों से तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे। मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझी से घृणा है, परंतु मेरा तुम्हारा संबंध यू टूट नहीं सकता। तुम्हें तो घात, हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया, और सच बताऊं अब तो हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वास्तविक सी क्यों गड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है, अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो उसे कालिदास का आतिथ्य व स्वागत करने का पूरी तरह से अधिकार है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है,
वर्षों पूर्व भी हमारी भेंट यहीं पर हुई थी और आज भी यहीं पर, किंतु सच मानो यह कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं पर होती। मल्लिका, तुमने अभी तक कालिदास का आतिथ्य उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद अतिथि आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को देखा है? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। जानते हो, अरे सुनो सुनो, जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, अरे बिलोम, तो तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता? किंतु मुझे अष्टावक्र की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं समझता हूं कि कालिदास स्वयं देखकर बता सके कि क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है। चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से? सुना है शासन बहुत बलि होता है, प्रभुत्व में सामर्थ्य है, और तुम कहते हो कि मैं चला जाऊं। तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। किंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को सत्ता दी, अवसर दिया, वह धूप व नैवेद्य लेकर दहलीज पर खड़ा नहीं रहा, उसने औरों को अधिकार दिया, निर्माण किया। तुम्हें उस निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते हो देख नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो कि मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, केवल इसलिए कि तुम इस घर में अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के अतिथि में कोई कमी न है। वर्षों बाद एक अतिथि इस घर में आया है, न जाने आगे कभी आएगा या नहीं। सोच रहा हूं, ऐसा ही अषाढ़ का दिन था, घाटी में मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो आया था। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा, उठाकर यहां ले आया था, तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे थे? सोच रहा था उपत्यकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर को जाने वाला रास्ता भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण में वैसी ही ध्वनियां हैं, और वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है, परंतु चाहता था कि अब से आरंभ करना चाहूं, परंतु वह समय का इच्छा के साथ संबंध था, और मैं देख रहा हूं समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्यों?
क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता।